शाहपुर थाना क्षेत्र के बिछिया में 8 अप्रैल को हुई प्रॉपर्टी डीलर संतोष सहानी उर्फ छोटू के दो हत्यारोपियों ने सोमवार को सीओ क्राइम के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया, जबकि अभी भी दो आरोपी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। आपको बता दें कि 8 अप्रैल को प्रॉपर्टी डीलर संतोष सहानी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसमें परिजनों ने शाहपुर थाने में 5 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें एक आरोपी टिंकू पासवान को पहले ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने इस हत्याकांड में 5 लोगों को नामजद किया था, जिसमें राजू ऋषि तिवारी, संजय निषाद, मानवेंद्र और टिंकू पासवान सहित 5 का नाम शामिल था। सोमवार को पुलिस सीओ क्राइम प्रवीण कुमार सिंह के कार्यालय में आरोपी संजय निषाद और मानवेंद्र ने सरेंडर कर दिया, जबकि अभी भी दो आरोपी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ क्राइम प्रवीण कुमार सिंह ने बताया। अरे आप वीडियो ना मत। अधीक्षक श्री सुलभ माथुर सर द्वारा जो लगातार अपराध अंकुश लगाने के लिए अपराधियों के ऊपर दबिश डाला जा रहा है और उनके नाम घोषित किया जा रहा है, इस प्रकार के दो अपराधी, उसी के क्रम में आज यहाँ के हमारे समक्ष हमारे कार्यालय में जो 8 तारीख को यहाँ हत्या हुई थी शाहपुर थाना क्षेत्र में छोटू सहानी की, उसमें दो नामजद अभियुक्त मुख्य अभियुक्त थे मानवेंद्र सिंह और संजय निषाद ने यहाँ पे आत्मसमर्पण किया। दोनों के ऊपर ही 15,000 रुपये का इनाम था। 8 तारीख दोनों मुख्य अभियुक्त, इसके पहले कितनी गिरफ्तारी हुई इसमें? इसके पहले एक गिरफ्तारी हो चुकी है, उसने भी सरेंडर किया।